रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र सिंह के तत्वावधान में विगत कई वर्षों से लगातार अनवरत गरीब बुजुर्गों के लिए बुजुर्ग का तीर्थ भ्रमण देवेंद्र बने श्रवण कार्यक्रम के अंतर्गत तीर्थ दर्शन योजना लगातार जारी है। प्रेस विज्ञप्ति में देवेंद्र सिंह ने बताते हुए कहा कि अपनी जन्मभूमि त्योंथर क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग जो अपने मन में तीर्थ दर्शन की अभिलाषा तो रखते हैं, लेकिन आर्थिक कमी के चलते पूरी नहीं कर पा रहे थे। इसी कमी को पूरा करने के लिए पवित्र उद्देश्य के तहत एवं मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से प्रेरित होकर उन्होंने बड़े बुजुर्गों के लिए ये तीर्थ भ्रमण योजना की शुरुआत की, जो अनवरत लगातार जारी है। आज 40 लोगों का जत्था जन्मभूमि त्योंथर से अयोध्या के लिए रवाना हुआ। सभी बड़े बुजुर्ग श्रावण मास एवं पुरुषोत्तम मास के पवित्र महीने में भगवान रामलला के दर्शन कर क्षेत्र की कल्याण की कामना करेंगे। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ और ये क्रम लगातार आगे भी जारी रहेगा। पिछले कुछ माह से आपके द्वारा क्षेत्रीय लोगों को तीर्थ यात्रा कराया जा रहा है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? ये बुजुर्ग लोग, जो गरीब लोग हैं, जो अपने किराए से या अपने पैसे से तीर्थों की यात्रा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैंने ये योजना शुरू की है कि गरीबों के लिए तीर्थ भ्रमण काशी, अयोध्या, सारनाथ, विंध्याचल, चित्रकूट और मैहर का दर्शन कराने का संकल्प लिया था। और हमारे तीर्थयात्रियों का ये जत्था जो है तो रवाना हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी तीर्थ योजना के उसमें ट्रेन से द्वारा, प्लेन के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा यात्रा में भेजे जाते हैं। इसी तारतम्य में ये यात्रा जो है हमने त्योंथर विधानसभा के लोगों के लिए शुरू की गई है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।